तीखुतो के पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, गुरु को वंदना तीन बार क्यों की जाती है? देव, गुरु और धर्म, इन तीनों की भक्ति के लिए एवं उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना करने के लिए अनुमोदन की पुष्टि के लिए वंदना तीन बार की जाती है। प्रश्न दो, हम गुरु को वंदना करते हैं या उनके गुणों को? हम गुरु को वंदना करते हैं क्योंकि हम गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक अथवा मूर्ति पूजक नहीं। प्रश्न तीन, वंदना कैसी करनी चाहिए? वंदना नम्रता एवं आदर भाव से विधि सहित करनी चाहिए और दाई अर्थात राइट ओर से तीन आवर्तन करके वंदना करनी चाहिए। प्रश्न चार, वंदना कितने प्रकार की होती है और कौन सी? वंदना तीन प्रकार की होती है, सामान्य वंदना अर्थात जघन्य वंदना मथयन वंदामी शब्द से, मध्यम वंदना गुरु वंदन तीखुतो के पाठ से, उत्कृष्ट वंदना इच्छामि खमासमनो के पाठ से। प्रश्न पाँच, जघन्य वंदना कब करते हैं? रास्ते चलते समय अथवा गोचरी के लिए गुरु महाराज घर पर पधारते हैं तब सिर्फ हाथ जोड़कर झुकते हुए मथयन वंदामी ऐसा कहकर जघन्य वंदना करनी चाहिए। प्रश्न छः, मध्यम वंदना कब करनी चाहिए? गुरु महाराज जहाँ विराजित है उस स्थान पर जाने के बाद और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करने से पहले तथा बाद में मध्यम वंदना तीखुतो के पाठ से विधि सहित करनी चाहिए। प्रश्न सात, उत्कृष्ट वंदना हम कब करते हैं? प्रतिक्रमण करते समय तीसरे आवश्यक में हम इच्छामि खमासमनो के पाठ से गुरुदेव को उत्कृष्ट वंदना करते हैं। प्रश्न आठ, पंचांग कौन से है? दो घुटने, दो हाथ और एक मस्तक, ये पंचांग है। प्रश्न नौ, वंदामि और नमम सामी में क्या अंतर है? वंदामि अर्थात अहोभाव पूर्वक वंदन करता हूँ, नमम सामी अर्थात नमस्कार करता हूँ। प्रश्न दस, सत्कार किसे कहते हैं? गुरुजन आदि की स्तुति करना, उनका स्वागत करना, उन्हें वस्त्र पात्र आदि देना, इसे सत्कार कहते हैं। प्रश्न ग्यारह, सम्मान किसे कहते हैं? गुरुजन आदि को बड़ा मानना, उन्हें ऊंचा आसन देना, हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव और बहुमान होना, इसे सम्मान कहते हैं। प्रश्न बारह, परुपासना का क्या लाभ है? देव पद में अरिहंत और सिद्ध भगवान तथा गुरु पद में शुद्ध चारित्र का पालन करने वाले साधु साध्वी की परुपासना करने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। प्रश्न तेरा, वंदना का फल किस शास्त्र में और उसके कौन से अध्ययन में आया है? वंदना का फल उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है। प्रश्न 14, वंदना करने से क्या क्या लाभ होते हैं? शुद्ध एवं निष्काम भाव से विधि सहित वंदना करने से होने वाले लाभ, नंबर एक, जीव उत्कृष्ट सौभाग्य और श्रेष्ठ ज्ञान के फल को प्राप्त करता है, नंबर दो, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, नंबर तीन, जीव नीच गोत्र का क्षय करके उच्च गोत्र का बंध करता है, नंबर चार, सौभाग्य एवं सुख की प्राप्ति होती है, नंबर पाँच, प्राप्त हुआ ज्ञान शीघ्र मस्तिष्क में चढ़ता है, नंबर छः, गुरु कृपा प्राप्त होती है, नंबर सात, पाप का विनाश और पुण्य का विकास होता है, नंबर आठ, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, नंबर नौ, सद्गुणों का विकास होता है, नंबर दस, भावों और विचारों की शुद्धि होती है, नंबर 11, नकारात्मक सोच का क्षय सकारात्मक सोच का उदय होता है। यह वंदना के 11 लाभ है।
प्रश्न 15, वंदना के पाठ की शिक्षा क्या है? वंदना के पाठ की शिक्षा, गुरुजनों की निंदा मत करो, उनके प्रति द्वेष भावना मत रखो, बल्कि गुरुओं का आदर सम्मान एवं उन्हें वंदन करो, अवगुण से बचने में ही समझदारी है। प्रश्न 16, भाव वंदना करने से किसे लाभ हुआ? भाव वंदना करने से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, मृगा पुत्र ने मुनि दर्शन से जाति स्मरण ज्ञान पाया, राजा श्रेणिक ने नरक के कर्म बंध कम किए। प्रश्न 17, इस पाठ में गुरुदेव के लिए क्या क्या विशेषण आए हैं? गुरुदेव कल्याण रूप है, मंगल रूप है, धर्मदेव के समान है, ज्ञानवान है, ऐसे 4 विशेषण इस पाठ में आए हुए हैं।